प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर देश ने अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया है, तो वहीं अब तीसरी लहर की चिंता सताने लगी है। माना जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगी। इस बात ने अभिभावकों, महामारी वैज्ञानिकों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं पिछले कुछ दिनों में बच्चों में कोविड-19 के मामले भी बढ़ रहे हैं। अब बच्चों को पूरी तरह से इस वायरस से सुरक्षित रखने की जरूरत महसूस की जा रही है। वहीं फोर्टिस अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जसल शेठ ने india.com से बातचीत में कहा कि कोरोना की पहली लहर ने 60 से ऊपर के लोगों को निशाना बनाया, वहीं दूसरी लहर में सबसे ज्यादा युवा वर्ग संक्रमित हुए हैं, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा होगा। ऐसे में जरूरी है कि कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जो बच्चों में बीमारी की गंभीरता को कम कर सके। बच्चों के लिए फ्लू का टीका कितना कारगर है, इस सवाल पर डॉक्टर सेठ का कहना है कि 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को हर साल फ्लू का टीका देने की सिफारिश की जा रही है। अमेरिका के मिशिगन और मिसौरी में महामारी के दौरान कोविड-19 से संक्रमित बच्चों के बीच किए गए हालिया सर्वे में पता चलता है कि जिन बच्चों को अमेरिका में 2019-2020 में फ्लू का वैक्सीन लगाया गया था, उनमें संक्रमण का जोखिम थोड़ा कम था। डॉक्टर सेठ ने कहा कि SARS-CoV-2 और इन्फ्लुएंजा में काफी समानताएं हैं। अगर कोविड-19 के साथ इन्फ्लुएंजा संक्रमण भी हो जाए तो ये महामारी को और खतरनाक बना सकता है। ऐसे में फ्लू का टीका कोरोना संक्रमण की गंभीरता को काफी कम करेगा। बच्चों को फ्लू और कोविड दोनों वैक्सीन दिए जाने के सवाल पर डॉक्टर सेठ ने कहा कि दोनों वैक्सीन अलग अलग हैं, दोनों टीकों के बीच कम से कम 4 सप्ताह का अंतर होना जरूरी होता है ताकि बच्चों में एंटीबॉडी विकसित होने का पर्याप्त समय मिल सके। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।